जनपद लखीमपुर खीरी में 28 लोकसभा समाजवादी व बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की युवा कर्मठ प्रत्याशी राज्यसभा सांसद रवि प्रकाश वर्मा की पुत्री डॉक्टर पूर्वी वर्मा का डोर टू डोर नगर भ्रमण अभियान में आज गोला गोकर्णनाथ मोहल्ला कुमारन टोला में प्रचार किया और आह्वान किया कि समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डॉक्टर पूर्वी वर्मा चुनाव चिन्ह साइकिल वाले बटन को दबाकर भारी बहुमत से विजय बनाए। बताइए, अवगत कराया गया कि इस बार लोकसभा में लग रहे वीवीपैट मशीन में 7 सेकंड के अंतराल अपने प्रत्याशी का चुनाव चिन्ह अवश्य देखें। वही भ्रमण में सुमित कुमार वर्मा, अशोक वर्मा, वारिस अली, आकाश लाला, नितिन तिवारी, रसिक तिवारी, मेराज खान, आलोक वाल्मीकि, समाज सेवी ललित विश्वास, जीवन लाल वर्मा, गुंजन नशरफ अली आदि कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए लुकमान रजा की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं फिरोजाबाद से लोकसभा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव ने की मोनार्क होटल में प्रेस वार्ता। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा से है हमारा मुकाबला, बाकी के लोग मुकाबले से बाहर हैं। वहीं 9 प्रांतों में लड़ेगी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी तथा फिरोजाबाद से कल नामांकन करेंगे शिवपाल सिंह यादव। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मयंक शर्मा के साथ देवशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। जनपद कन्नौज के हसेरन में भारतीय जनता पार्टी युवा कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष जीतू तिवारी व श्यामू राजपूत, उपाध्यक्ष ऋषभ मिश्रा, उपाध्यक्ष सतीश चंद्र गुप्ता, गुंजन त्रिपाठी, संजय राजपूत, अभिषेक वाजपेयी आदि भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष जीतू तिवारी लोकसभा 2019 के माननीय श्री सुब्रत पाठक जी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कई नीतियों को भी बताया। हम लोगों का हौसला बिल्कुल बड़ा होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में भी मेरी सरकार है और केंद्र में भी मेरी सरकार है। पिछली बार हमारे एक भी विधायक नहीं थे, प्रेजेंट टाइम मेरे 4-4 विधायक हैं। और हमारे पिछली बार एक भी जिला पंचायत सदस्य नहीं था, सिर्फ एक जिला पंचायत सदस्य थे कुशवाहा जी। आज मेरे 12 जिला पंचायत सदस्य हैं। पिछली बार मेरा चेयरमैन सिर्फ एक सुब्रत जी की माता जी थी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सोनू भदौरिया की रिपोर्ट, कन्नौज।